बेबी शार्क डू 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 बेबी शार्क डू 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 बेबी शार्क। लड़की कह रही है भाई बेबी शार्क गा के सुना दो, आई लव यू तो यू मैन। क्या बोल रही है भाई, व्हाट्स हर नेम? माय नेम इज म्याओ 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 म्याओ। और भी कुछ है भाई? सर देख, ओए सर बचा के, ये देखो यार क्या गजब शेप है अंदर से केव की। मैंने हनोई से निनबिन की एक बस ली थी और बस लेके मैं निनबिन में पहुंचा था। तो अब आज जो है ना निनबिन को एक्सप्लोर करने का प्लान है। तो भाई ये बहुत ही अच्छा हॉस्टल है भाई, इसमें मैं रुका हुआ हूँ। बोल बिल्कुल नया खुला हुआ है, एक महीना हुआ है इसको, इधर स्विमिंग पूल भी है। हेलो, आप निनबिन को घूमने के लिए ये साइकिल वगैरह भी रेंट कर सकते हो। इनके पास ना मोटर बाइक वगैरह भी है। मेरे साथ एक फ्रेंड है, आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में भी, हर्षित, जो कि इंडिया से ही है। तो हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग साथ में ही मोटर बाइक रेंट करेंगे और इस जगह को एक्सप्लोर करेंगे। मैं यहाँ पर रात को पहुँचा था तो रात को तो ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उस सुबह देख के ना काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ। गुड मॉर्निंग। सामने एक रिवर सी है और आसपास आप व्यूज देख सकते हो, ये छोटे छोटे सब माउंटेन्स है। मोटर बाइक रेंट कर लिया हम लोगों ने, ये 1 लाख की मिल गई है। 1 लाख मतलब ये समझ लो 300 रुपये के आसपास हो गई। और इन 300 रुपये में हम लोग 50-60 रुपये का पेट्रोल डलवाएंगे और पूरा दिन घूमेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना जितनी भी घूमने की जगह है वो 4-5 किलोमीटर के अंदर ही है। तो एक बंदे को जो है 150 रुपये का पड़ेगा, तो 150 रुपये का ट्रांसपोर्ट है और पूरा दिन है हमारे पास घूमने के लिए। ओके ओके, या लेट्स गो, इट्स गुड। ऑटोमेटिक या विच बाइक इज दिस? और यहाँ पे कौन सी बाइक है ये? लुक्स लाइक होंडा। नो, लुक्स लाइक होंडा, फ्रॉम चाइना। होंडा फ्रॉम चाइना, एग्जैक्टली, यस, चाइनीज बाइक है यार भाई, चाइनीज बाइक है। आप देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, लोगो लुक्स लाइक होंडा। यस, माय फ्रेंड बाय सॉ $500 फॉर न्यू, राइट? नो नो, for the old bike. I have a new now. हाँ, okay. It's very old. This one same. ऐसे हमारे पास Splendor हुआ करते हैं। हाँ यार, we have something similar in India. Yeah. Does it have some gasoline? Yeah, yeah. You need gasoline. Yeah, little bit. Yeah. Okay, okay. In the open gasoline, and this one on. Okay. But you can on and boot here. Oh. It's better, right? Okay, okay. Yeah. Yeah, because it is some time and put. Okay. Yeah. We can. Oh, that's okay. Yeah. Thank you for telling us. Okay, and let's go. Cool, cool. भाई हमारी बाइक चल गई है। Telephone here. Nice. तो यार हम सबसे पहली जगह जाने वाले हैं, क्या नाम है भाई जगह का? ट्रांगान। तो यहाँ पे एक रिवर है, ट्रांगान रिवर, और वहाँ पे बोटिंग वगैरह काफ़ी पॉपुलर है। और वो ना एकदम राइस फील्ड्स के बीच से बोट जाती है और बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले हम वहाँ पे बोटिंग करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे हुआलू, जो कि वियतनाम की एक एंशियंट कैपिटल है, जो कि वहाँ से थोड़ा सा पास में ही है। उसके बाद हम जाएंगे यहाँ की बहुत ही पॉपुलर हाइक है, एक मुआ केव करके, लगभग 500 स्टेप्स चढ़ के हम लोग बिल्कुल ऊपर जाएंगे माउंटेन के, और वहाँ से हमें बेहतरीन व्यूज़ जो है ना यहाँ कंट्री साइड के दिखाई देंगे। तो ये हमारा प्लान है आज का। तो हम लोग सबसे पहले जाते हैं बोटिंग करने, ठीक है? यहाँ से बोटिंग के लिए कितना दूर है भाई मैप पे लगा? 10 किलोमीटर है। तो गाइस अब हम लोगों ने भाई यहाँ पे राइडिंग स्टार्ट कर दी है भाई, बहुत दिनों बाद यार। मैंने लास्ट टाइम जो है ना साउथ ईस्ट एशिया में कंबोडिया में मैंने अपनी जो है ना बाइक रेंट करी थी और मैं घूम रहा था यार, बहुत मज़ा आया था। और आज भी बहुत मज़ा आ रहा है, आज तो है ना वेदर भी एकदम एक नंबर है भाई। तो आराम से एकदम भाई शॉर्ट्स वॉर्ट्स पहनने का मौका मिला है, ना गर्मी है ना ठंडक है, बहुत ही प्लेजेंट वेदर है और बाइक चलाने के अपने अलग ही मज़े आ रहे हैं भाई। बहुत ही छोटा टाउन है भाई, टाउन से निकलने में बस हमें ये मेरे ख्याल से 5 मिनट लगे मेन टाउन से। टेमकॉक से हम लोग थोड़ा सा बाहर आ गए। पेट्रोल यहाँ से भरवाना है? पेट्रोल है क्या? पेट्रोल है ना। बट भाई मैंने कई जगह पढ़ा है कि ये स्कैम होता है, थोड़ा पानी मिला होता है, गाड़ी जल्दी बंद हो जाती है। तो क्या करूँ, कुछ नहीं, आगे और ढूंढते हैं। भाई बहुत सारे लोग ना यहाँ पे आते हैं और लोग डे ट्रिप कर लेते हैं, बट मेरे को तो लगता है यार कि डे ट्रिप का कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे आपको आना चाहिए और यहाँ पे रुकना चाहिए भाई, आपको मैं सच बता रहा हूँ, आप हनोई से ज़्यादा इन्जॉय करोगे यहाँ पे। और अब हम लोग पहुंच चुके हैं बोटिंग वाली प्लेस पे। तो यहाँ पे ना बाइक पार्किंग के 15,000 ले रहे हैं, 15,000 डोंग, और साइकिल के ले रहे हैं 10,000 डोंग, ठीक है? चाबी दे दे भाई, इसकी चाबी जो है ना गिर जाती है तो इस चक्कर में हमने ना इसकी चाबी जो है ना अलग से निकाल के जेब में रख रखी है भाई। अब जो है ना हमने बाइक वहाँ पर पार्क कर दी, और बाइक पार्क करने के बाद यहाँ पर यार 200 मीटर पर एक टिकट काउंटर बना हुआ है, यहाँ पर जाके अब हम लोग टिकट खरीदेंगे भाई। यहाँ पे ये टिकट काउंटर बना हुआ है पूरा,
पंखे वंखे से चल रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोगों ने टिकट ले रही है, टिकट जो है ये हमें 500 यानी 5 लाख डाउन की पड़ी है। अब 5 लाख डाउन की 2 टिकट मतलब 2.5 लाख की। तो अब हम लोग जा रहे हैं अंदर की साइड, ये देखो अंदर से इन्होंने रास्ता बना रखा है और बोटिंग के लिए जा रहे हैं। भाई एक बात तो माननी पड़ेगी यार, वियतनाम में जो भी टूरिस्टिक प्लेस इन्होंने बनाई है ना, बहुत अच्छे से एकदम मेंटेन कर रखी है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है। देखो कितना अच्छा मेंटेन किया हुआ है यार, ऊपर पूरे में लाइटिंग ही लाइटिंग है, लैंटर्न वगैरह। ये बोटिंग हमें करनी है भाई, भीड़ देखो ज़रा आप, सामने भीड़ है देखो, ऐसा लग रहा है कि फ्री में बोटिंग हो रही है। भाई यहाँ पे क्या बना रखा है, ये चर्च है क्या, क्या है ये? अच्छा म्यूजियम टाइप का बना रखा है। इतना टूरिस्टिक यार, 1000 टूरिस्टिक मैं उम्मीद नहीं कर रहा था भाई, मैं सोच रहा था कि कुछ लोग होंगे केवल। ज्यादा वियतनाम के लोग भी काफी हैं क्योंकि छुट्टियां हैं इनकी। हाँ यार यही है ना भाई, न्यू ईयर के चक्कर में भाई हमें बहुत भीड़ है यार हर जगह। और मैंने ये देखा कुछ वीडियो में कुछ जो बोट है वो पैर से चलाते हैं लोग। पैर से चलाते हैं? हाँ। ये खुद मतलब हाथ से चला रहा है ये वाली, पता नहीं। चलो हमें तो बैठना है, हमें तो इंजॉय करना है। ये सही है, इससे क्यों नहीं जा रहे लोग यार ना। हर जगह इन्होंने QR कोड का इस्तेमाल करते हैं और हर चीज़ ऑटोमेटिक कर रखी है, मतलब अच्छा है यहाँ पर सिस्टम, अच्छा बहुत सही तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर ना टूरिस्ट के लिए इन्होंने डेवलप किया हुआ है। अनलाइक इंडिया की वहाँ पर टिकट फाड़ हम लोग फाड़ देते हैं, ये कर देते हैं। बट आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर कि यार जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ गए ना ऐसा अगले कुछ सालों में मतलब हमारा भी काफ़ी अच्छा होना चाहिए ऐसा। मतलब ये भी ध्यान रखा है कि फ़ैन वैन गर्मी लगेगी तो फ़ैन वैन लगा रखे हैं इधर भाई। ये पक्का नकली टिकट बना गया है, पकड़ो उसको भाई। ये देखो यार क्या जबरदस्त यहाँ पे माहौल हो गया भाई, केओस एकदम। नई बोट आने दो भाई यहाँ पे, और देखो कैसे भीड़ भाड़ एकदम भाई, बोट आते ही लोग ऐसे कूद रहे हैं जैसे पता नहीं भाई, नेक्स्ट लेवल यार, अलग ही हिसाब है यहाँ पे। तो हम लोग बैठ गए भाई यहाँ पे, और भाई बोट ना ऐसे ऐसे हो रही है थोड़ी सी, आई होप डूबे ना भाई हमारी, ये टाइटैनिक ने बन जाए आज। हम बिल्कुल आगे वाली सीट पे बैठ गए भाई, हमने देख रहे थे बहुत देर से भाई, आगे वाला बैठ के एकदम मस्त व्यू एंजॉय करेंगे यहाँ पे। उधर कहाँ जाएगा भाई, कहाँ? ये बढ़िया है भाई, हम बैठने वाले। ये देखिए यार ये बंदा आगे बैठ गया यार, नहीं हम लोग आगे बैठे थे जल्दी में, ये और पहन ले। हाँ भाई जो मैंने गाली बकी हटा देना वीडियो से प्लीज़। नहीं डालता मैं गाली, तेरी डाल दूंगा बस। ये क्या बदतमीजी है भाई, ये बंदा देखियो अब इसकी इसकी शक्ल देखूंगा क्या मैं भाई। तो भाई पीछे पूछ रहा बंदा कि कौन से रूट पे जाओगे आप, तो हमने कहा कि भाई जो रूट आप लोगों को सही लगता हो आप लोग ले चलो, ये बाकी 2 लोकल लोग बैठे हुए हैं इनसे बोल दिया हमने। बोटिंग करते करते ना सामने कोई मंदिर सा है, यहाँ पे मंदिर की तरफ जा रहे हैं, पहाड़ी के नीचे मंदिर बना हुआ है यार। ये सारे लोकल लोग यहाँ जा रहे हैं हर्षित भाई। हाँ भाई यहाँ पर है ना फॉरनर। यहाँ पे पहुँचे यार, पता नहीं यहाँ पे क्या है। यहाँ देखो फिश वगैरह को लोग दाने खिला रहे हैं इधर यार, कितनी सारी फिश हैं ये देखो। ओ भाई साहब डर गई वो भी डर गई मंदी यार पीछे। फिश टेंपल है क्या भाई, देखिए फिश कितनी बड़ी बनाई हुई है उन्होंने इधर। और यहाँ पे कोई मंदिर सा है यार, ये भी पगोड़ा चाइनीज पगोड़ा है, पता नहीं मंदिर है क्या है। देखो हर्षित यहाँ पे इसने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया है, अभी चाइनीज बन गया ये, कन्फ्यूशियस को पूछता है सारे भगवान एक है भाई। देखिए यहाँ पे कुछ रखा है, पुराने पत्थर, मे बी ये वो राम वाले राम सेतु के। हाँ राम सेतु के पत्थर। भाई यहाँ कैसे पहुँच गए? विजिट फॉर 5 मिनट्स देन कम बैक एंड कंटिन्यू। हमारा हो गया भाई, चल ले हमें कोई दिक्कत नहीं है। ए भाई ये बंदा यार आगे बैठ जाता है, नहीं बैठने देंगे भाई इसको। नहीं लेकिन पता है एक हम लोग बोल तो रहे हैं लेकिन एक दिक्कत भी है कि सीटी नहीं थी ना, और इनको साथ में जाना है, 3 और 2 5 हो रहे थे, इसलिए इस बंदे को आगे बैठना पड़ा, मजबूरी भी है इसकी। तो इसको बहन के साथ पीछे बिठा दे। हाँ बिल्कुल आगे बैठ जाते हैं एक जगह। हाँ कुछ लिख रहा है क्या, पानी पानी लेना है क्या? है पानी, मेरे बैग में है पीने को पानी। लाए? हाँ लाए दियो। और भाई अब हम लोग जा रहे हैं केव के अंदर। भाई ये देखो ये मस्त लग रहा है यार, वेरी गुड गुड। भाई ये देखो लाइट वाइट भी लगा रखी है भाई, ये चीज़ माननी पड़ेगी यार, जहाँ भी जाओ बहुत सही तरीके से बना हुआ है ना भाई, बढ़िया यार। यहाँ मज़ा आ रहा है भाई, यहाँ लग रहा है कि यहाँ सही आए हम लोग, मस्त है यार। ये देखो यार कितनी अच्छी सी केव है, केव के अंदर से हमारी जो है ना ये बोट जा रही है यार, और पूरी केव में लाइट जगा रखी है भाई, ये मानना पड़ेगा भाई। देखो यहाँ पर सिस्टम, और पता क्या इनकी वायरिंग भी यार, अच्छा वायरिंग यहाँ पर बाहर से दिख रही है लेकिन बहुत नीट तरीके से इन्होंने बनाई हुई है यार।
ये देखो आईशो स्पीड, इंडियन आईशो स्पीड। और भाई काफी बड़ी केव है, बहुत देर से चल रही है भाई केव, सही कह रहा है, काफी देर हो गई। मैं सोच हम लोग भौंके हैं, कोई बंदा गिर गया बोर्ड से डर के मारे, फिर तो कांड हो जाएगा भाई। एकदम नीचे है ये देख रहे हो आप, अगर किसी सर पे लग जाए ना तो यहाँ बहुत गंदा इंजरी हो जाए उसको सब कुत्ते बन रहे भाई इधर। ओ भाई ओ भाई, यहाँ सही है, यहाँ लाइटिंग मस्त आ रही है, मस्त मजा आ रहा है भाई इधर। हम लोग सोच रहे थे कि पहले कि इन लोगों ने रूट चूज किया है तो कहीं मंदिर फंदिर घुमा के वापस ले आएंगे, लेकिन मंदिर के बाद हम लोग जो केव में घुसे ना भाई, काफ़ी लंबी केव है, बहुत ज़्यादा ही लंबी, 10-15 मिनट हो गए हमें बोटिंग करते हुए। ऊपर देखो भाई केव कितनी ऊंची है यार, गहरी है। राम राम अंकल जी। लाइट तेरे को इरिटेट कर रही है क्या? नहीं नहीं, तेरे पे ही लगाए रखूँ क्या? नहीं भाई मेरा मत डालना मेरा मत डालना भाई, तेरा क्यों डालूँ मैं। मस्त यार, मज़े आ रहे हैं भाई केव में, हमें बहुत देर हो गई। ओ भाई चमगादड़ बैठ बैठ है भाई यहाँ पे, इतनी लंबी केव में यार मैं तो कभी घुसा ही नहीं यार। मुझे लगता है ये साउथ ईस्ट एशिया में ना केव्स काफ़ी हैं यार, मतलब जहाँ जाओ भाई कुछ ना कुछ केव मिल ही आती है। और तुझे ये पता है यहाँ पे दुनिया की सबसे बड़ी केव यहाँ पे है वियतनाम में। लेकिन यार पता नहीं वहाँ पे लोग जाते अभी कहाँ, हमने हुईयान के पास थी क्या जो हम देख रहे थे उस दिन? अभी ये निनबिन और हुईयान के बीच में है, थोड़ा लेफ्ट में। एक काम करते हैं उसका, एक बार देखते हैं कि वहाँ पे कैसे विजिट कर सकते हैं हम। हाँ देख सकते हैं, अगर हमें कुछ मिले तो चलते हैं भाई, वो एक बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी। हाँ, चल सकते हैं, माइलस्टोन हो जाएगा भाई वो तो तगड़ा। आज देखते हैं भाई, ठीक है रात को। हाँ, सब लाइमस्टोन की केव है लग रहा है सब। लेकिन मानना पड़ेगा यार जिस तरीके से इन्होंने वायरिंग की है ना इतनी बड़ी केव में अंदर तक, बहुत सही है यार। ये देखो यार क्या गजब शेप है अंदर से केव की। कभी कभी भाई सर बचा के यहाँ पर रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है भाई, कभी नीचे है कभी ऊपर है। आ गया यार, कितना 1 किलोमीटर नहीं होगी यार ये? हाँ मतलब आधा किलोमीटर तो होगी, आधा किलोमीटर तो होगी यार, ज़्यादा होगी 1 किलोमीटर भाई। राइट जा रहे हैं तो और भी कुछ है भाई, सर देख वो सर बचा के इधर, बहुत नीचे हो गए हम लोग, इधर से बाहर निकल रहे हैं हम लोग। और भाई लग रहा है कुछ फॉरेस्ट टाइप का है यार सामने हर्षित यार, बहुत फन है भाई। मैंने नहीं सोचा था कि इतना फन होगा, मुझे लग रहा था केवल हम उसके अंदर जाएंगे किसी रिवर के अंदर और हो जाएगा हमारा काम, लेकिन तो बहुत फन लग रहा है बिल्कुल यार, मस्त फन है यार भाई। देखो ये है केव जिसके अंदर से हम लोग आए हैं और ये ख़त्म हो गई भाई, अब हम आ गए डे लाइट में। इतनी तो धूप भी नहीं है जितने की छाते की जरूरत पड़ती है इन लोगों को। और देखो सबने छाते खोल लिए यार भाई, इतनी धूप नहीं है वाकई में, बहुत ही हल्की सी धूप है। हाँ सही कह रहा है, हलोंग में जैसा व्यू आ रहा है इधर। हाय व्हाट्स योर नेम? What's your name? My name is Miao Miao. Miao Miao? No, not. And your name? My name is Ego Go. Your name is Ego Go. Ego Go. Brother, sister? Yes. Ah. ये दोनों भाई बहन हैं, भाई और ये इनके पिताजी हैं। Nice to meet you. India. India. अंडाओ. ये लोग अंडाओ बोलते हैं, इनकी लैंग्वेज में अंडाओ बोलते हैं। अंडाओ. अंडाओ in Vietnamese, हाँ? India. Vlogger, YouTube, Vlogger. Yes. Yeah. Yes, surprise. Mimi, surprise. Yeah. Ah, nice. This is your first time here in boat, in this boat. English नहीं आती भाई, थोड़ी सी कमजोर English है. हाँ? Okay, okay, no problem. ओ भाई दोबारा दूसरी game में आ गए क्या हम लोग? एक दूसरी game में घुसने लग रहा है. भाई एक और game. ओए. हाँ देखा मैंने. पूछ क्यों? क्या करते हैं? Student है क्या है? हाई जूम कोई जगह हो, हाई जूम कोई जगह का नाम है। 11 एंड हीस 9 9। अच्छा 11th और 9th में यार ये बच्चे भी, सही है यार, इन्हें बड़े मज़े आ रहे हैं भाई, लेकिन इन्हें भी मज़े आ रहे हैं बात करने में। अबे भाई पता है ये जो लोग बोल रहे हैं ना, ये जो अभी व्हाट डिड यू से, चोन वियतनाम। अबे यार यही चीज़ ना, मैं जब वहाँ पे गया हुआ था ना फांसी बार में, 4-5 ऐसे बच्चे थे नहीं की उम्र के, चोमिनाम ऐसे ही बोल रहे थे। चोम वियतनाम क्या मतलब होता है? चोन वियतनाम है, वो भी खुश हो रहे थे ऐसे ही बोल के, मुझे लगा भाई मुझे कुछ चिढ़ा रहे हैं, स्लैंग होगा कुछ। अबे इस रिकॉर्ड हाँ ऐसा होगा, चोम वियतनाम हाँ फेमस इज वियतनाम। ओके ओके चोम वियतनाम।
वही होगा, सही कह रहा है, जैन टाइप का कुछ स्लोगन होगा इनका अपना, ट्रांसलेट वगैरह मैं डाउनलोड करके लाया था, मेरे पास इंटरनेट तो नहीं है लेकिन मैं जहाँ जाता हूँ ना वहाँ की लैंग्वेज डाउनलोड कर लेता हूँ, ऑफलाइन की जरूरत पड़े तो बात करते हैं। अभी तो हमें नहीं आती होगी, हो सकता है ट्रांसलेशन गलत हो रहा होगा। मी आई एम 30 हाउ ओल्ड आर यू? 13 17 नाइस एंड ही इज 5 ईयर ओल्ड 5 ईयर्स किड, स्मॉल किड, 5 ईयर्स। टीचर्स सम वियतनामीज तो यो मैं तो यो बैट बैट तो यो बैट विच मीन्स क्या बोल रही है भाई, इसे क्या सिखा रही है मैं यार। नहीं मे बी हाउ आर यू, अच्छा शायद हाँ वो शायद आई होप बेबी शक बेबी शक भाई आप लड़की कह रही है भाई बेबी शक गा के सुना दो मैंने, यार गजब है। यहाँ पे पता है बहुत पॉपुलर है, कल वहाँ डांस कर रहे हैं यार बड़े बच्चों वाला, कह रहे बेबी शक पे बड़े लोग डांस कर रहे हैं भाई रात को, अलग ही यार फनी है भाई लोग यहाँ पे। डाउन का क्विक ब्रो जय हिंद। भाई यार मस्त हवा लग रही है यार इधर तो, काफी लंबी बोटिंग है, ऐसा लग रहा है कि कितने थका नहीं होगा ये बंदा पीछे चला रहा है यार, और कितनी बोट मारता होगा यार, मैं तो ये लग रहा है पता नहीं 5-10 बार हो सकता है चक्कर मार लेता हूँ इधर सुबह से शाम तक। एक और स्टॉप आ गया भाई अपना। अच्छा शुरुआत में लग रहा था 750 रुपये काफ़ी ज़्यादा है, बट अब नहीं लग रहा मुझे। सो ब्यूटीफुल यार, सो ग्रैंड, सो बिग, सो ब्यूटीफुल भाई। इनका स्टोन पेपर सीजर चल रहा है, क्या चल रहा है? स्टोन 2 3 ये जो मार रहे तो 1 2 3 भाई स्टोन पेपर सीजर चल रहा है भाई, जो हार रहा है उसको बाकी, जो जीत रहा है उसको मार रहे हैं, जो हार रहा है उसको मार रहे हैं, दोनों बाकी हैं, जो हार रहा है उसको मार रहे हैं, 1 2 3 दोनों में मारेंगे। सही बकर चल रही है भाई इधर पीछे। हेलो हेलो तो नहीं है ये, नॉर्मल ग्रीटिंग। तो गाइज अभी हम लोग जो है ना बोटिंग वोटिंग करके आ चुके हैं भाई, बहुत मजा आया, कैसा रहा यार हर्षित? सही है, मस्त था यार। मेरे ख्याल से हम लोग ने सोचा था कि आधे घंटे 20 मिनट की कोई वोटिंग होगी, भाई कुल मिला के हो गई मेरे ख्याल से 1 घंटा हमने वोटिंग कर ली होगी, 1 घंटे से भी ज़्यादा होगी, 1 घंटे ज़्यादा। और भाई 2 केव्स के अंदर से हम लोग निकल के आए, और फ्रेंडली यार बच्चे थे जो दोनों पीछे बैठे हुए उनसे बात बात कर रहे थे, तो काफ़ी मज़ा आया लोगों के साथ, अच्छा लगा, मतलब बहुत फ्रेंडली था, बहुत ही अच्छा था, व्यूज़ भी बहुत अच्छे थे। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर की तरफ इस खूबसूरत से इनके पाथवे से होते हुए, और चलते हैं अब हम दूसरी जगह। कहाँ जाना था यार अभी हमें? हुआ लो एंशिएंट कैपिटल। तो चलते हैं यार अभी बाहर, यहाँ से अपनी बाइक वाइक उठाते हैं और फिर चलते हैं आज की नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे।